हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी रेसिपी है साबूदाना की बड़ा, बिल्कुल कुरकुरे वाला साबूदाना की बड़ा, जो कि आप घर पे भी बना सकते हैं। मेहमान अगर आए तो बस साबूदाना घर पे होना चाहिए और उसमें बस उबले हुए आलू डालो और कुछ चटपटा मसाले डालो और बन गया साबूदाना की बड़ा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं कुरकुरे वाला साबूदाना की बड़ा। तो मैंने यहाँ पर एक कप साबूदाना लिया है और इसे रात भर मैंने भिगो के रखा है और इसको अभी मैंने पानी से निकाल लिया है और अभी मैं इसे 10 से 15 मिनट तक कवर करके रखती हूँ। और देखिए, 10 से 15 मिनट के बाद मैं ये देख रही हूँ साबूदाना जो है वो बहुत ही सॉफ्ट बन गया है और ज़्यादा गीला भी नहीं है। मैंने यहाँ पर एक मुट्ठी जैसा मूंगफली और 2 से 3 हरी मिर्च को हल्का सा ग्राइंडिंग कर लिया है, दरदरा कर लिया है। अभी इसके ऊपर डालते हैं और 1 चम्मच जीरा भी डालते हैं, 1 चम्मच अजवाइन डालते हैं, थोड़ा सा ग्रेटेड जिंजर डाल देते हैं, थोड़ा कड़ी पत्ता डालते हैं और 1 नींबू का रस डालते हैं। और यहाँ पर मैंने लिया है 2 उबले हुए आलू और इस उबले हुए आलू को अच्छे से हाथों से मैश करके इसे हम डालते हैं साबूदाना के ऊपर। अब स्वाद अनुसार नमक भी डाल लेते हैं और इन सारे चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिला लेते हैं। और यहाँ पर मैंने सारे चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है और अभी हम बड़ा बनाते हैं। हाथ में थोड़ा सा तेल डालते हैं और अभी इसको राउंड शेप देते हैं। अगर हम हाथ में तेल डालेंगे तो ये हाथ में चिपकेगा नहीं और हम अच्छी तरह से साबूदाना की बड़ा बना पाएंगे। और यहाँ पर हम सारे बड़े बना चुके हैं और अभी इस बड़े को हमें डीप फ्राई करना है। पर देखिए कितना जल्दी ये बड़ा अभी बन गया है। बहुत ही अच्छा स्नैक्स आइटम है, बहुत ही कुरकुरापन है। घर में गेस्ट आए तो आप ये ज़रूर बनाना, सभी को ये पसंद आने वाला है। तो आपको ये रेसिपी कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद।